अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राई चटकारेदार। इसके लिए चाहे हमने आधा किलो चिकन लिए, छोटे छोटे पीस किए उसके। ये हम लाल कुटी हुई मिर्ची है, लेमन जूस है, कटी हुई हरी मिर्ची है, धनिया है, 2 चम्मच दही है, और तेल हमने कढ़ाई में डाल चुके हैं। और ये बटर है, हम इसमें बटर डालेंगे। अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और पेस्ट के हिसाब से नमक लेंगे। अब हम इसमें अदरक डालेंगे। थोड़ा भूनेंगे, इसके बाद चिकन डालेंगे। चिकन को हम थोड़ा पकाएंगे सफ़ेद आने तक, फिर उसके बाद हम दही और लाल मिर्च डालेंगे। हमारा ये वाइट हो चुका है, अब हम इसमें दही डालेंगे। इसको हम अभी अच्छे से भुनेंगे, उसके बाद लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसको मैं अभी ढक देती हूँ गलने के लिए चिकन। अब हम देखेंगे, ये फ्राई गोश्त बहुत अच्छा लगता है। आप भी बना, हमारे इसमें अभी पानी ज़रा सूख गया है। अभी हम इसमें लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 2 चम्मच। पूरा हम 3 चम्मच ये कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसमें ये लेमन जूस भी डालेंगे। दही दिया है, लेमन जूस दिया, इसलिए नमक हम टेस्ट करके बाद में डालेंगे। अभी थोड़ा ही डालते हैं, थोड़ी धनिया डालेंगे। अभी हम इसको थोड़ा टाइम ढक देते हैं, फिर बाद में 10 मिनट के बाद खोल के देखेंगे। अब हम देख रहे हैं हमारा चिकन फ्राई पक चुका है। हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे। कितना अच्छा, कितना टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी बनाइए मेरी तरह। अभी हम हरी मिर्ची डालेंगे, हम थोड़ा हिलाएंगे, उसके बाद डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा फ्राई गोश्त कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में भी टेस्टी है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।